इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इकोसिस्टम पार्ट 6 इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहले हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब समझते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो नेचर में जितनी भी बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं वह डायनामिक होती हैं। डायनामिक का मतलब होता है कि वह चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है उनका चेंज होने की टेंडेंसी रखती हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो स्पीशीज़ हैं, वह चेंज होती रहती हैं। और जब हम इसी चेंज को एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और सक्सेशन दो तरह का सक्सेशन हम पढ़ेंगे इस प्रेजेंटेशन में। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, जो किसी ऐसी साइट पर हो रहा है जहाँ पर अभी तक कोई सक्सेशन हुआ ही नहीं है, कोई अभी तक स्पीशीज़ कोई आई ही नहीं है। जैसे बेयर रॉक्स, जो अभी बिल्कुल पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, अगर उन पर कोई सक्सेशन हो रहा है या कोई नई कोई झील बनी है तो उसमें अब नई स्पीशीज आना शुरू हो जाएंगी उस झील में। तो इस तरह के जो अनऑक्युपाइड साइट्स हैं जहाँ पर अभी तक कोई स्पीशीज रह ही नहीं रही थी, अब वहाँ पे ग्रेजुअली स्पीशीज अपीयर हो रही हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन तब होगा जहाँ पर कोई पहले से ही कोई नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट करता था, एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे और किसी एक्सीडेंट की वजह से वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में हमने फायर फॉरेस्ट दिखाया हुआ है, फॉरेस्ट फायर दिखाया हुआ है और फॉरेस्ट में आग लग गई और इस आग से पूरी तरह से फॉरेस्ट उजड़ गया और अब इस उजड़े हुई जगह पर दोबारा से जब स्पीशीज आएंगी, जब तरह तरह की स्पीशीज आएंगी, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, तो अब ये जो दोबारा से हैबिटेट बनेगा, कम्युनिटी बनेगी, तो उसे अब हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। और यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि ये चेंजेस रातों रात नहीं होते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, कई कई हजार साल लगते हैं तो सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन में तो लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन यूजुअली फास्ट होता है क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पर, इस पर्टिकुलर रीजन में सॉइल ऑलरेडी बनी हुई है। अगर हम बेयर रॉक की बात करें तो वहां पे मिट्टी बनेगी। अभी जो लाइकन आएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी प्राइमरी सक्सेशन की स्टेजेस को, तो मिट्टी बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है किसी भी रीजन पे। जहां पर भी सक्सेशन हो रहा है तो सॉइल बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह का जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है जहां पे ऑलरेडी नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट करता था, तो वहां ऐसी जगह पर सॉइल ऑलरेडी बनी हुई है, इस वजह से सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होता है और ये अपने क्लाइमैक्स पे बहुत जल्दी कुछ ही सालों में पहुंच जाएगा और ये जगह फिर से एक हरे भरे फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है। यहाँ डायग्राम में हमने एक बेयर रॉक पे होने वाले सक्सेशन को दिखाया है। तो ये कई हजार सालों में ये जो बेयर रॉक है ये एक हरे भरे जंगल में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी स्टेजेस आएंगी। बहुत छोटी छोटी स्टेजेस में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उन स्टेजेस को हम सेरल स्टेजेस कहते हैं, सेरल स्टेजेस। और एक पर्टिकुलर सेरल स्टेज में पाए जाने वाली जो स्पीशीज होती हैं और जो कई सारी स्पीशीज मिलकर जो एक स्टेज कम्युनिटी बनाती हैं, उन्हें हम सेरल कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बेयर रॉक पे हम ये सक्सेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइकन एंड मॉस स्टेज से शुरू होता है सक्सेशन। सबसे पहले लाइकन आते हैं और फिर हर्ब्स आते हैं और फिर श्रब्स ग्रो करते हैं, फिर कहीं जाके ट्रीज का नंबर आता है। तो ये इस तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन किसी कम्युनिटी में होता है। यहाँ कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ हमने फीचर्स यहाँ पे बताए हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अर्ली स्टेजेस जो होती हैं, जो यहाँ पे जैसे हमने लाइकन मॉस स्टेज दिखाई है, इस स्टेज में इस यहाँ पे जो कम्युनिटी बनी है बेयर रॉक पे, तो इसका टोटल बायोमास बहुत ही कम होगा। अर्ली स्टेजेस जो होती हैं, अर्ली सेरल कम्युनिटीज जो होती हैं, अब सेरल कम्युनिटी का मतलब आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, तो जो अर्ली सेरल कम्युनिटीज होती हैं उनका टोटल बायोमास बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि अभी जो प्लांट्स आए हैं वो बहुत ही छोटे साइज के हैं,
लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है, टोटल बायोमास तो कम है लेकिन नेट प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। बहुत ध्यान से इन दोनों, ये लग रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इन दोनों पॉइंट्स को कि अर्ली स्टेजेस का टोटल बायोमास कम है लेकिन नेट प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत कम हेटरोट्रॉफिक स्पीशीज हैं, जो इन प्लांट्स को खाने वाले जो स्पीशीज हैं वह बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा बायोमास इस कम्युनिटी में एक्यूमुलेट होगा। इस बात को शायद हमारे स्टूडेंट्स जरूर समझ पा रहे होंगे कि जब हेटरोट्रॉफिक स्पीशीज कम होंगी तो ज्यादा से ज्यादा बायोमास इस जगह पर एक्यूमुलेट होगा, और इसी वजह से इस बेयर रॉक पर अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा और अब दूसरी हर्ब स्पीशीज जो होंगी, हर्बेशियस स्पीशीज होंगी, श्रब होंगे, वो सब अब इस कम्युनिटी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इन्वेड करना शुरू कर देंगे। और लेकिन जो अर्ली स्पीशीज होती हैं वह न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को बहुत एफिशिएंटली नहीं रेगुलेट कर पाती हैं, छोटे से छोटा जो एनवायरमेंटल झटका होता है वह उनके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो कम्युनिटी होती है ये बहुत ही अनस्टेबल होती है, लेकिन जब ये फुल फ्लरिश्ड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी एक कम्युनिटी, जब ये अपने क्लाइमेक्स स्टेज को अटेन कर लेगी, तो ये बहुत ही स्टेबल कम्युनिटीज होती हैं। छोटे मोटे झटके तो ये बहुत आसानी से झेल लेती हैं। तो अभी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो सबसे पहले प्लांट्स इन्वेड करते हैं, जो सबसे पहले जो स्पीशीज आती हैं किसी जगह पर, उन्हें हम पाइनियर स्पीशीज कहते हैं। तो ये लाइकन और मॉस स्टेज सबसे पहले होती है बेयर रॉक पर, तो इन्हें हम पाइनियर स्पीशीज कहते हैं। पाइनियर का मतलब ही होता है जो कोई किसी काम को शुरू करे, तो लाइकन और मॉस ये किसी भी सक्सेशन को शुरू करते हैं बेयर रॉक पर, तो ये पाइनियर स्पीशीज हैं और ये अर्ली सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही लाइकन और मॉस होते हैं जो इस बेयर रॉक पे सॉइल बनाने का काम करेंगे। इसकी जो बहुत ही पथरीली जो जगह है, यहाँ पर सॉइल बनाने में यही स्टेजेस हेल्प करती हैं, और जब सॉइल बनती है उसके बाद ही हर्ब्स और श्रब्स इस जगह को इन्वेड कर पाएंगे, इस जगह पर आ पाएंगे। और जैसे जैसे ये सक्सेशन आगे बढ़ेगा तो ये फाइनली एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा जब ये कम्युनिटी, तो उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पाए जाने वाली स्पीशीज को हम क्लाइमेक्स स्पीशीज कहते हैं। और ये बहुत ही स्टेबल कम्युनिटी होती है, जल्दी से इनके स्पीशीज कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, इनके एनवायरमेंटल कंडीशंस भी लगभग सेम ही रहती हैं। तो जितने भी आज की डेट में फुल फ्लरिश्ड फॉरेस्ट हैं वह क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम दो तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशन डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले तो हाइड्रॉक सक्सेशन, जो एक्वेटिक हैबिटेट में जो सक्सेशन होता है, जो अभी कोई नया नया पॉन्ड बना है, कोई नई नई झील बनी है, उसमें जो सक्सेशन होगा तो उसे हम हाइड्रॉक कहेंगे। हाइड्रो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये इसका मतलब ही होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर में होने वाले सक्सेशन को हम हाइड्रॉक सक्सेशन कहेंगे, और किसी बेयर रॉक पर सूखी ऊसर जगह पर होने वाले सक्सेशन को हम ज़ेरार्कल सक्सेशन कहेंगे। डेजर्ट में होने वाले सक्सेशन को, किसी रॉक पे होने वाले सक्सेशन को हम ज़ेरार्क सक्सेशन कहेंगे। तो इन दोनों तरह के सक्सेशन हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, और किन किन स्टेजेस में ये सक्सेशन होता है, कौन किस किस तरह की स्पीशीज आती हैं इस पर्टिकुलर जगहों पर उगती हैं, और किस सीक्वेंस में सक्सेशन होता है, तो वह सारी बातें इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। एक ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन। इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये छोटा सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स की जगह
लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स आते हैं। शुरू शुरू में जो प्लांट्स होते हैं किसी भी सक्सेशन में, अर्ली स्टेजेस में, वह बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत जल्दी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स अब की जगह अब आ जाएंगे लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स, अब ट्रीज आ जाएंगे जिनकी लाइफ बहुत सालों की होती है। और शुरू में जो बायोटेक कम्युनिटी होती है वह अनस्टेबल होती है, ये पॉइंट हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अनस्टेबल कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी स्टेबल बायोटेक कम्युनिटी में, जैसे जैसे बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। शुरू में बायोडायवर्सिटी भी बहुत कम है, तो जैसे जैसे बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कम्युनिटी भी स्टेबल होती चली जाएगी। और निश स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा इस जगह पर। निश का क्या मतलब होता है कि हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज की कुछ खास रिक्वायरमेंट होती हैं उस पर्टिकुलर हैबिटाट में। हैबिटाट में तो बहुत सारी स्पीशीज रह रही हैं किसी हैबिटाट पर, लेकिन हर स्पीशीज का कोई एक खास एनवायरमेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को हम निश कहते हैं। तो जैसे जैसे कोई बायोटेक कम्युनिटी मैच्योर होती है, जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हर स्पीशीज अपना एक निश भी डिफाइन करना शुरू कर देती है। तो बायोटेक सक्सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा निश स्पेशलाइजेशन भी बढ़ता चला जाएगा और बायोमास भी बढ़ेगा। अभी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि अर्ली स्टेजेस में बायोमास बहुत कम होता है क्योंकि छोटे छोटे साइज के स्पीशीज होते हैं। अब स्पीशीज जो इन्वेड कर रहे हैं इस नई जगह पर, जो स्पीशीज आ रहे हैं उनका टोटल साइज भी बढ़ रहा है, तो टोटल बायोमास भी उस कम्युनिटी का बढ़ता चला जाएगा। अगर हम रॉक पे होने वाले सक्सेशन की बात करें तो रॉक पर सॉइल का कंटेंट बढ़ेगा और सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट बढ़ेगा। ह्यूमस माने होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, तो सॉइल में जो ह्यूमस है ऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ेगा क्योंकि बायोमास लगातार इस जगह पे बढ़ रहा है। और जो भी चाहे एक्वेटिक सक्सेशन हो चाहे ड्राई सक्सेशन हो, वह अल्टीमेटली मैसिक कंडीशन को लीड करता है। मैसिक मीन्स होता है मॉडरेट कंडीशन। चाहे कोई झील से शुरू हो कोई सक्सेशन, तो झील भी अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होगी किसी फॉरेस्ट में, और चाहे किसी डेजर्ट या बेयर रॉक से सक्सेशन शुरू हो तो वह भी कन्वर्ट होगा फाइनली किसी फॉरेस्ट में। तो बिल्कुल भी अचंभित होने की बात नहीं है, ये रातों रात ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होता है। कई कई हजार साल लगते हैं, लाख साल लगते हैं किसी झील को फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने में। और जो शुरू में जो फूड चेन्स होती हैं वह सिंपल होती हैं क्योंकि बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा बायोडायवर्सिटी नहीं है, तो ये फूड चेन्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स में कन्वर्ट हो जाएंगी क्योंकि बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। और प्रोडक्टिविटी में रिडक्शन आएगा क्योंकि अब हेटरोट्रॉप्स भी आ रहे हैं। अभी तक तो प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स आते हैं किसी भी जगह पे, और जब प्लांट्स ज्यादा होते हैं तो उस जगह की नेट प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स इन्वेड करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब एनिमल्स इन प्लांट्स पे सर्वाइव करेंगे, और 10% लॉ भी यहाँ पर आप अगर लगा लें तो उस हिसाब से फूड चेन्स लंबी हो जाएंगी और टोटल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस में लेकिन रिडक्शन आएगा, जो अब स्पीशीज हैं वह स्टेबल ज्यादा होंगी क्योंकि बायोडायवर्सिटी खूब ज्यादा है। तो किसी भी जगह पर जब बायोडायवर्सिटी खूब ज्यादा होती है तो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस फिर कम हो जाते हैं। छोटे मोटे एनवायरमेंटल झटके, ये बायोडायवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से ये जगहें बहुत आसानी से झेल लेती हैं, तो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस में रिडक्शन जरूर होता है। इस डायग्राम की हेल्प से हम ज़ेराक सक्सेशन डिस्कस करेंगे जो कि किसी बेयर रॉक पर होता है, पहाड़ी इलाके में होता है, या फिर किसी डेजर्ट में होता है। ऊसर में होने वाले सक्सेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पाइनियर स्पीशीज है वह लाइकन है, मॉस, लाइकन, ये सारी स्पीशीज आती हैं, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकन फंजाई और एल्गी के बीच में। और ये लाइकन अब इस जो ये जो ऊसर जो जगह है यहाँ पर मिट्टी बनाने का काम करता है, तो लाइकन सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है मिट्टी बनाने का। और फिर धीरे धीरे ये स्मॉल प्लांट्स और आने इन्वेड होना शुरू हो जाएंगे, इस जगह पर आने शुरू हो जाएंगे। और शुरू में जो है वह एनुअल प्लांट्स आते हैं। एनुअल प्लांट का मतलब होता है
जो एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी अभी जो हमने चेंजेस पढ़े थे बायोटेक सक्सेशन में कि शुरू में शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स आते हैं, फिर धीरे धीरे फिर वो लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स आते हैं उस कम्युनिटी में। तो शुरुआत होगी एनिमल प्लांट्स से, हर्ब्स से शुरुआत होगी, छोटी छोटी घास आएंगी और फिर धीरे धीरे पेरिनियल श्रब्स भी आने शुरू हो जाएंगे। पेरिनियल का मतलब है जो कई सालों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी कि अब ये लॉन्ग लिव्ड प्लांट स्पीशीज इन्वेड करना शुरू कर देंगी। और फिर अब ये स्क्रब स्टेज आएगी। स्क्रब स्टेज का मतलब ये होता है कि जिस स्टेज में अब श्रब्स ज्यादा होंगे और छोटे छोटे वुडी प्लांट्स होंगे, वुडी प्लांट्स और छोटे छोटे पेड़ आने शुरू हो जाएंगे, तो उसको हम स्क्रब स्टेज कहते हैं। ये इंटरमीडिएट स्पीशीज हैं इस कम्युनिटी की। और फाइनली अब बड़े बड़े पेड़ उगना शुरू हो जाएंगे इस जगह पर और ये कंप्लीट एक फुल मैच्योर फॉरेस्ट की फॉर्म ले लेगा और इसे अब हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे। तो इस तरह से किसी बेयर रॉक पर सक्सेशन होता है, क्योंकि ये बेयर रॉक पर पहली बार अभी कोई स्पीशीज ने आना शुरू किया है, तो इसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। और कभी किसी फॉरेस्ट में आग लग जाए या किसी और वजह से फॉरेस्ट उजड़ जाए और फिर से वह फॉरेस्ट अब बनेगा, तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। लेकिन इस डायग्राम में अभी अभी हमने प्राइमरी सक्सेशन डिस्कस किया है। डायग्राम में अभी जितनी भी बातें हमने डिस्कस करी हैं, वह सारी बातें हमने इस स्लाइड पे समराइज कर दी हैं, पॉइंट्स में मेंशन कर दी हैं। और वो जितनी भी स्टेजेस में ये सक्सेशन होता है बेयर रॉक पर, वह सारी स्टेजेस हमने यहाँ फ्लो चार्ट में मेंशन करी हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को, इस फ्लो चार्ट को अपने नोट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम किसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होने वाले सक्सेशन को स्टडी करेंगे, जिसे हम हाइड्रार्क कहते हैं। और हाइड्रार्क में जितनी भी ये सक्सेशनल जो सरल स्टेजेस होती हैं सक्सेशन की, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन्हें हम हाइड्रोसियर भी कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने टोटल 8 स्टेजेस दिखाई हुई है यहाँ पे सक्सेशन की। तो सबसे पहले ये कोई न्यूली फॉर्म्ड लेक दिखाई है और सबसे पहले इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर में, उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन इस लेक को इन्वेड करेंगे, इस लेक में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, तो इस स्टेज को हम फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कहते हैं। और आप इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये जैसे नई जो लेक अभी बनी हुई है और यहाँ पर देखिए, तो धीरे धीरे यहाँ पर अब लेक पर जो बेड, जो लेक का जो बेड है वह ऊपर होता चला जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों होगा कि लेक में जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे, अब जो भी लिविंग कंपोनेंट्स यहाँ पर ग्रो करेंगे, तो वह मरेंगे भी, तो मरेंगे तो वह इस लेक के बॉटम में सेटल होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से लेक का जो बॉटम है यह ग्रो करता चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो सेकंड स्टेज हमने डिस्कस कर ली, ये फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है। और अब धीरे धीरे रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आ जाएगी। सबमर्ज्ड वह प्लांट्स होते हैं जो पूरी तरह पानी के अंदर ग्रो करते हैं। तो अब ये सबमर्ज्ड स्टेज यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाई है, तीसरी जो स्टेज है। और अब ये फ्लोटिंग स्टेज, अब फ्लोटिंग प्लांट्स भी आ जाएंगे। तो ये इनकी जो जड़ें हैं ये यहाँ बॉटम में भी हो सकती हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह फ्लोट करते हैं किसी लेक पर, तो फ्लोटिंग स्टेज भी आ जाएगी, अब फ्लोटिंग प्लांट्स भी आ जाएंगे। फिर ये रीड स्वैम स्टेज, अब क्योंकि ये जो झील है ये बहुत ज्यादा ऊंची हो गई है और अब पानी इसमें बहुत कम हो गया है, तो फ्लोटिंग जो प्लांट्स हैं वह डिसअपियर हो जाएंगे और अब केवल रूटेड प्लांट्स ही रह जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये देखिए, लगभग ये पूरी ही भर चुकी है, जो लेक है ये पूरी ही भर चुकी है, तो अब यहाँ पे श्रब्स आ जाएंगे, छोटे छोटे पेड़ उगने शुरू हो जाएंगे, तो अब ये वुडलैंड स्टेज आ जाएगी यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे पेड़ और जो वुडी जो ट्रीज होते हैं, वुड वाले जो ट्रीज होते हैं, वह आने शुरू हो जाएंगे और फाइनली ये जो एरिया है यह पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर
ही बात कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ एक सालों में नहीं होता है, कई कई हजार साल लग जाते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इतनी स्टेजेस में किसी एक्वेटिक एनवायरमेंट में सक्सेशन होता है, जिसे हम हाइड्रॉक कहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था जेरा, तो वहां देखा था हमने कि जो बेयर रॉक है वह एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो बिल्कुल उसी तरह जो लेक है या कोई एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वह भी फाइनली इस फॉरेस्ट में ही कन्वर्ट होता है। और इस फॉरेस्ट स्टेज को हम मैसिक कंडीशन कहते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट कंडीशन है, ना ये बहुत ज्यादा ड्राई है और ना ये बहुत ज्यादा वेट है। तो ये मॉडरेट कंडीशन अटेंड करती है, कोई भी सक्सेशन का एंड रिजल्ट होता है मैसिक कंडीशन को अटेंड करना, यानी कि फॉरेस्ट स्टेज को अटेंड करना। इस स्लाइड में हमने अभी अभी जो बातें डिस्कस करी थी डायग्राम की हेल्प से, हाइड्रा की जितनी भी हमने स्टेजेस डिस्कस करी थी वह सारी हमने यहाँ समराइज करी हुई हैं, और यहाँ हमने फ्लोचार्ट लगाया है, वह सारी स्टेजेस का फ्लोचार्ट हमने यहाँ बना के लगाया हुआ है। इसे आप अपने नोट्स के लिए एग्जाम्स में या टेस्ट में आप इन स्टेजेस को, इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने इन पॉइंट्स में ये सिल्टेशन, ये एक टर्म हमने लिखा है, इसको हम बताना चाहेंगे कि कर चुके हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो वह बॉटम में सिंक होता है। तो जो बेड होता है लेक का या रिवर का, जो बेड होता है उस पे जो सिल्ट जमा होता रहता है, यही जो जो भी चीजें ड्रॉप हो रही हैं वो सारी की सारी बेड पर एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो इसी को हम सिल्टेशन कहते हैं। वह कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वो कोई मरा हुआ कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो इसी प्रोसेस को हम सिल्टेशन कहते हैं।